और वहीं उत्तर प्रदेश में शनिवार सुबह रामपुर के पास एक ट्रेन हादसा हो गया। रामपुर में कोसी का पुल के पास राज्य रानी इंटरसिटी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे का शिकार ट्रेन मेरठ से लखनऊ जा रही थी। इस हादसे के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किया जा चुका है। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में 15 लोग घायल हुए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ किया है कि किसी भी चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य रानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच एटीएस करेगी। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एटीएस ट्रेन दुर्घटना में साजिश की पहलुओं की जांच करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में यात्रियों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपए और मामूली घायलों को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए सिंचाई राज्य मंत्री महेंद्र औलख को घायलों को ये मदद मौके पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर मुआवजे का मरहम लगाना चालू कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि यूपी में एक और रेल हादसे के बाद रेल मुसाफिर डर के साए में रेल सफर करने को मजबूर हैं। तो रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है बरेली के लिए 0581255861 और 0581255862, हापुड़ के लिए 0122305326। तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से और आप इन नंबर्स पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं अगर कोई आपका अपना इस ट्रेन में सवार था तो। आज सुबह 8:15 पे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पास मुरादाबाद बरेली सेक्शन में 22454 मेरठ लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ है। इसके 8 कोचेज डिरेल हुए हैं। कोई डेथ की खबर नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी के साथ चल रहा है। यहाँ पर हमारी मेडिकल ट्रेन और क्रेन्स वगैरह पहुँच गई हैं। चीज़ें नियंत्रण में हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी पूरी स्थिति को हम सामान्य बना सकें।